तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, कैम सब, कैसा है। तो आई होप आप सब मौज में हो, मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो अभी फिलहाल तो हम यहाँ काट रहे हैं गन्ना, उधर है हरी भाई और माला भाई और मैं। और आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, बाद में इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। क्योंकि मैं लास्ट में बोलता हूँ लेकिन आज पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो ब्लॉग्स है उन पर व्यू जितने आते हैं, अगर उतने सब्सक्राइब आते तो हमारा चैनल बहुत आगे होता। तो सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी एक बात बताना चाहूँगा आप सबसे कि बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं कि जगदीश भाई आपके पास फ़ोन कौन सा है। और बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने फ़ोन कौन सा लिया है। तो मैं आपको ये जो मेरे पास फ़ोन है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और ये जो फ़ोन मैंने कितने में लिया और ये फ़ोन लेने के लिए मेरे को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये पूरा आपको इस ब्लॉग के अंदर आज देखने को मिलने वाला है। और इस ब्लॉग में आपको कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, तो इस ब्लॉग में आप आखिरी तक बने रहिए। अगर ब्लॉग में आपको मज़ा नहीं आता है तो ब्लॉग को लाइक मत कीजिए और कमेंट भी मत कीजिए। अगर आपको मज़ा आता है तो इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। और अभी फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, लेकिन अभी का जो नज़ारा है एकदम कतई शानदार है। क्योंकि देख सकते हो आप सनसेट, देखो ओ भाई एकदम खतरनाक दिख। तो अभी फिलहाल जो ट्रैक्टर है वो भर लिया है और अभी चलते हैं घर पे। और घर पे जाने के बाद अभी गाय भी छोड़ना है और मार्केट को भी जाना है, क्योंकि आज सुरेश भाई आ गया है। तो इसकी वजह से आज जो कि अपन एकदम फ्री है, क्योंकि अगर सुरेश भाई होता है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि वो नहीं होता है तो बाकी जो है वो उनसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन हमारे घर में अगर सबसे ज़्यादा काम करता है तो वो है सुरेश भाई, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। अगर वो आज आ गए हैं तो मेरे को कोई टेंशन है नहीं, अभी यहाँ से सीधा घर पर जाएंगे, घर पर जाने के बाद खाना पीना खाएंगे और सीधा मार्केट को निकल जाएंगे। क्या गुंडा बनेगा रे तू, हम जल्दी वाली आज कर ले 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 दा बढ़िया। रेन मां भाई ले ले, पकड़ लिया तू माला भाई। ए माला, क्या नाम रखने का इसका, बोल दे तू, तेरे हिसाब से नाम रखेंगे। लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ मुझे भी वही लग रहा है। ठीक है, इस बार माला भाई बोले और अपन इसका नाम लक्ष्मी रख देंगे। लक्ष्मी। तो फाइनली जो है हमने इसका नाम जो है लक्ष्मी रख दिया है। बंदे बंदे हाथ नहीं आप डाल ले हूँ डाल ले तू मुँह मन आप दी तो आऊ डाल ले लक्ष्मी भाग जा जालिन बता जा बता जालिन। तीन चार दिन के लिए सुरेश भाई बाहर गए हुए थे, तो सुरेश भाई ने बहुत सारा आराम किया होगा। तो अभी ये है सुरेश भाई। और सुरेश भाई कैसा लग रहा है, मजा आया गुजरात के घूम के? हाँ भाई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कैसा मजा किया? एंजॉय किया सर, ठेकड़ा मार मार के। हाँ बहुत डांस किया, शादी में डांस। हाँ शादी में डांस भी किया। हाँ क्या बात, नागिन लगा था मोमो। तो शादी में इसने सुरेश भाई ने डांस किया, बोला मैंने बगे नागिन डांस किया। हाँ तो सुरेश भाई ने फुल एंजॉय किया। और सब दोस्त बोल रहे थे कि अगर सुरेश भाई आप कहीं घूमने को जा रहे हो तो वहाँ का ब्लॉग बनाओ। तो तूने ब्लॉग बनाया वहाँ जाके? नहीं। क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया। तो सुरेश भाई गया था घूमने को, लेकिन सुरेश भाई ने जो ब्लॉग है वो नहीं बनाया। और अभी
भाई बोल रहा है वीडियो बनाने के चालू है। तो अभी सुरेश भाई अभी आप नीचे उतर जाओ, फटाफट से खाना पीना खाओ और गाड़ी छोड़ो, आज हम जा रहे हैं मार्केट को। तो चलो मिलते हैं आगे। भाई और बापू जी उनका कुछ डिस्कस चालू है। हूँ पूछे बापूजी ने बाबा थोड़ा बीमार पड़ जाए भला बनाया कर तो फिलहाल अभी हम है वाड़ा पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे वाड़ा है और वाड़ा में गाय नहीं है क्योंकि गाय गए है घर पे, वो भी मिल्किंग करने के लिए क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया। सुबह जब यहाँ पे खाना पीना हो गया फिर हम मार्केट पे गए हुए थे, तो वहाँ से घर पे आए आने के बाद बहुत थक गया था तो थोड़ा सा नींद ले ली एक और उठ के देखा तो 5:30 बज गए थे। फिर तुम्हारा भाई है गाय लेके वहाँ घर पे आ चुका था, तो फिर यहाँ जो यहाँ का ब्लॉग था वो बाकी था क्योंकि आज अपन को ब्लॉग जो पूरा है वो इस फ़ोन पे बनाना था कि मेरे पास फ़ोन कौन सा है और थोड़ी बहुत जानकारी देनी थी कि मैं कहाँ से हूँ क्योंकि बहुत बार हमेशा पूछा जाता है और मैं पूरा का पूरा जो डिटेल है मैंने आपको कभी नहीं बताया। एक थर्ड नंबर के ब्लॉग में मैंने बताया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं बताया था, तो मैंने बोला चला इस ब्लॉग में थोड़ी सी इसकी भी जानकारी दे देते हैं। बाकी तो मैंने एक ब्लॉग में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है और इस ब्लॉग में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वैसे तो मैं गुजरात से हूँ, सुरेंद्रनगर जिले से, और महाराष्ट्र में हमें लगभग आज से 28-30 साल पहले आई थी हमारी पूरी फैमिली जो है वो इधर आई थी। और जब इधर आई थी तो यहाँ नहीं थे, यहाँ से 7-8 किलोमीटर एक गांव है आगे, वो सामने टावर दिख रहा है लेकिन इसमें फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे आए थे जब 28-30 साल पहले, वहाँ एक गांव है वहाँ पे। फिर वहाँ से गांव के इस गांव में आए, इस गांव के ओ बाजू वहाँ पे हमने लगभग 5-6 साल गांव के ओ बाजू बिताए, वहाँ से फिर आगे यहाँ पे सामने जो कि यहाँ पे एक टेलीफोन आने वाला है, बहुत साल हो गए इसको बना के भी क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह है, तो वो बोले हमें यहाँ पे टेलीफोन बनाना है, टेलीफोन का टावर बनाना है, तो इसकी वजह से वहाँ से हटा दिया कि बोलो ये जगह खाली कर दो, तो वो जगह हमने खाली कर दी। और फिर गए सामने, सामने गए तो वहाँ पे हमने 3 साल बिताए, 3 साल बिताने के बाद वहाँ सामने देख सकते हैं वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखा दूँ मैं ना, इसमें जो नाम है वो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे बन गई शमशान भूमि, तो वो बोले यहाँ से जगह खाली कर दो, वहाँ हमें शमशान भूमि बनानी है, तो ठीक है क्योंकि हमारी जगह नहीं थी तो हमें खाली करनी थी, तो वहाँ से कर देने के बाद हम आ गए इधर। तो यहाँ पे हमने 1.5 साल बिताया, बाद में उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाना है, क्योंकि ये भी ये हॉस्पिटल था ये बाद में आया, फिर बोले हमें यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाना है जो कि यहाँ पे गांव के लिए, तो ठीक है क्योंकि एक ग्राम पंचायत की जगह है, तो हमने ये जगह खाली कर दी। और सामने इस झाड़ के वो बाजू अभी वहाँ पे मेरा गाय वगैरह सब वहाँ पे है, हमने हमारी झोपड़ी वहाँ पे बांधी है, तो बस यही है। और अभी कुछ थोड़े दिनों में, अभी तक तो यहीं रह रहे हैं लेकिन अभी कुछ ही दिन में हम वहाँ से जगह चेंज करने वाले है। वैसे तो यहाँ के जो किसान भाई है बहुत अच्छे हैं, कभी उन्होंने हमें दिक्कत नहीं दी, वो हमेशा अगर वहाँ पे अगर कुछ उनको बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं और जगह पे वो हमें जगह दे देते हैं, पहले वहाँ पे थी तो वो बोले वहाँ पे हमें ऐसा करना है तो फिर वहाँ दी, वहाँ ऐसा करना था तो फिर यहाँ दी, यहाँ ऐसा करना था तो वहाँ पे दी, वो कहीं ना कहीं जगह देते ही है हमें, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। तो मेरे को आईफोन लेने का लगभग आज से 5-6 साल पहले ही मेरे को ये ख्वाहिश थी मेरी कि मैं भी आईफोन लूँ, मुझे भी आईफोन लेना है, लेकिन इतने सारे पैसे लाना मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि घर से तो मैं इतने ज़्यादा पैसा मांग नहीं सकता क्योंकि उसका कुछ उपयोग नहीं होने वाला था, क्योंकि एक फ़ोन लाना है तो ना तो उसका कुछ उपयोग होने वाला था कि वो आईफोन लाने के बाद कुछ काम आएगा, क्योंकि इतना सारा पैसा डालने के बाद भी उसका कुछ फ़ायदा
नहीं था। तो घर से तो उतने पैसे मिलने वाले थे नहीं, लेकिन मेरा सपना था कि मुझे चाहिए आईफोन। उसके लिए मुझे खुद मेहनत करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट फ़ोन लिया तब भी मेहनत किया था। मेरा फर्स्ट फ़ोन था नोकिया का फ़ोन था, और उसमें लगभग सुरेश भाई ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि जब लगभग आज से 10-15 साल, हाँ 15-1 साल हो गए जब फर्स्ट फ़ोन लिया था हमने नोकिया का। तो उसके लिए क्या हो गया कि जब हमने गाय का गोमूत्र है वो सेल करके, किसान भाई को सेल करके थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के हमने 900 रुपये का एक फ़ोन लिया था, और वो हमारा फर्स्ट फ़ोन था। उसके बाद पापा जी को मैंने बहुत सारे, मेरे दोस्त जो जब स्क्रीन टच बाद में निकला तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त ले रहे थे, तो पापा जी को मैंने बात की कि मुझे भी स्क्रीन टच चाहिए। तो पापा जी ने मुझे एक दूसरा वाला फ़ोन दिलाया था, जो कि ये वाला था अपना सैमसंग चैट करके वो फ़ोन था, वो मुझे पापा जी ने दिलाया। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे कुछ लेना है तो बड़ा ही लेना है, खुद की मेहनत से लेना है, पापा जी से नहीं मांगूंगी इस बार कि पापा जी आप मुझे पैसा दो। तो उसके बाद मैं एक दो फैक्ट्री में भी नाइट ड्यूटी गया था, क्योंकि दिन भर तो मेरा गाय का काम होता है। तो ये काम करने के बाद मैंने ज़्यादा दिन नहीं गया, 2-4 दिन गया नाइट ड्यूटी को, लेकिन वो मुझे तकलीफ होने लगी, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद रात को नींद नहीं पूरी होती थी, तो तकलीफ होने लगी। तो इसके बाद मैंने जो फैक्ट्री का काम है वो छोड़ दिया। फिर वो काम छोड़ने के बाद सीधा, क्योंकि मुझे अभी फ़ोन लेना है तो बड़ा ही लेना था, लेकिन खुद की मेहनत से लेना है, घर से मैं मांग के फ़ोन लेने वाला नहीं था, क्योंकि इतना सारा पैसा घर से मांगेंगे और वो भी एक फालतू चीज़ के लिए, क्योंकि एक अपना ड्रीम है इसकी वजह से, क्योंकि इससे कुछ मुनाफा होने वाला नहीं था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि घर का पूरा काम करके हमने ये जो हॉस्पिटल है इसका काम चालू हुआ था। लगभग इसको मैंने यहाँ पे 8 से 9 महीने तक यहाँ पे मैंने वॉचमैन की ड्यूटी की है इस हॉस्पिटल में। और यहाँ पे ये जब ये हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ पे मेरी एक मैंने एक खटिया ला के रख दी, और यहाँ पे पहली बार तो शुरुआत में तो लाइट भी नहीं थी, और यहाँ पे जब मैं सोने को, और यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ था, यहाँ का लोखंड था, सीमेंट वगैरह, जो ये वाली ईंट, तो बहुत सारा जो यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ था। और उन्होंने बोला कि भाई हमें यहाँ पे एक आदमी चाहिए ये पूरा ध्यान रखने के लिए, और यहाँ से यहाँ पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रात को अकेला कोई रह नहीं सकता। आपको बता दे, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे एक शमशान भूमि है, वो गेट दिख रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे भी शमशान भूमि है, देखिए आप सामने ये जो झाड़ है ना, ये जो बबूल की झाड़ दिख रहे, उसके पीछे ये पूरी शमशान भूमि है, और रात को यहाँ पे कोई नहीं होता, रात को ये पूरा एकदम सुनसान हो जाता है। तो इसकी वजह से गाँव में से यहाँ पे कोई सोने आने वाला नहीं था, और कोई भी यहाँ पे ड्यूटी नहीं करने वाला थी, क्योंकि यहाँ पे रात की सबको डर लगता है। तो फिर उस भाई को बोला मैंने, कहा ठीक है भाई, यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे। तो मैं शाम को खाना पीना खा के 8:45 तक यहाँ पे आ जाता था, और सुबह मेरा जो 7:30-8 बजे तक वैसे भी पूरा जो गाय का काम है पूरा हो जाता है फिनिश, फिर सीधा यहाँ आ जाता था। यहाँ से सुबह 4 बजे फिर घर पे जाता था, वहाँ जाके मिल्किंग का काम करता था। तो घर का पूरा काम करके जो नाइट को जो टाइम बचता था, वहाँ पर मैं यहाँ के रात में 1-2 बार जागने का, फिर टॉर्च लेके आता था एक इधर उधर करने की, बाकी तो सो जाने का। तो ऐसा करके जो मेरा आईफोन 11 है वो मैंने ख़रीदा है। और बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि भाई आप तो बड़े हो, आईफोन लेके घूम रहे हो। तो भाई आईफोन की कहानी ये थी कि उसके लिए मैंने भाई 7 से 8 महीने तक ही यहाँ पे सिक्योरिटी का काम किया है। तो आप सब मेरी फैमिली हो, तो मैं आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी है सच ही बताऊँगा। ऐसे बड़े बड़े डींगे नहीं फेंकूँगा मैं कि हाँ भाई मैंने आईफोन लिया और एकदम मेरे पास ये है वो है, नहीं, मेरे पास जो भी है मैं आपको रियल वही बताऊंगा और वही बताने की कोशिश करता हूँ। हर महीने वहाँ वो हमें पेमेंट दे देने के, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी करके वो पेमेंट बचा के रखी, और लगभग फाइनली मैंने 8 से 9 महीने तक यहाँ पे मैंने काम किया, और मेरी पेमेंट थी 8,500 रुपये। तो आप टोटल कर लेना कितना हुआ था। और फिर जाके यहाँ 9 महीने बाद मैंने पूरे पैसे इकट्ठा करने के बाद मैं लेके आया आईफोन। और मेरा एक सपना था कि मैं खुद की मेहनत से लूँगा, जो भी लूँगा, इससे आगे भी जो भी लूँगा
मैं मेरी मेहनत से लूँगा, क्योंकि अगर मैंने जीत की होती तो पापा जी ने भी मुझे दिला दिया होता कि नहीं पापा मुझे फ़ोन चाहिए, तो उन्होंने भी दिला दिया होता। लेकिन क्या है कि ये जो फ़ोन है उतना सारा पैसा ला के डाल के भी कुछ फ़ायदा नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, एक पार्ट टाइम जॉब किया, क्योंकि ये मेरा जो काम है वो करके ये वाला जो काम है एक पार्ट टाइम किया, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने सही किया है, क्योंकि मेरा जो काम था उसको मैं करके मैंने ये जो काम किया और उससे मेरे सपने को मैंने पूरा किया। तो ये मेरे आईफोन 11 की कहानी थी। आई होप आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी और इस व्लॉग को भी पसंद आया होगा, क्योंकि अभी मेरे को करना है मिल्किंग, तो अभी जाना है घर पर। मिलते हैं कोई नए व्लॉग में। जय श्री कृष्णा।